डन। इसमें हाँ, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, मतलब पूछते नहीं हैं या बात नहीं करते हैं, जैसे कि अब किसका नाम देखो मैं, वैभव वशिष्ठ, ये तो खैर पूछता है मुझे लगता है, सत्यम गोयल ये भी है, सही पूछता है। ओके, प्रथम आनंद, प्रथम आनंद कभी डाउट नहीं पूछता है मुझे लगता है। और कौन है, प्रणव अग्रवाल, नंदिनी यस नम, सर, समझ में आया, किया तुमने कंप्लीट, यस सर, समीर, साजिद, अरसलन, सर मयंक। सर मुझे नहीं आया। ओके ठीक है, वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पार्टिसिपेट करते रहना है, ठीक है, डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते रहा करो, सभी ओके बच्चे, सर, जो भी बच्चे पूछते नहीं है डाउट्स उनको पूछना चाहिए, ठीक है। हाँ तो मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें देखो बेटा क्या लिखा हुआ, ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। पी क्यू आर एस मिड पॉइंट्स हैं, किसके मिड पॉइंट्स हैं, ये पी जो मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट है, ऐसे ही क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, आर मिड पॉइंट है सी सी डी का, और डी डी ए का मिड पॉइंट एस है, और इसमें डायगनल भी ड्रॉ कर दिया गया है, ए सी डायगनल। तो याद करो, थ्योरम मत भूलो, कभी भी थ्योरम मत भूलो। थ्योरम ये था कि अगर हमें ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है और हमें ये कहा गया है कि पी और क्यू मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के, तो पी क्यू जो है वो, पी और क्यू अगर मिड पॉइंट्स गिवन, पी क्यू और पी क्यू अगर पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स अगर हैं ए बी और ए सी के, देन पी क्यू जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के। पैरेलल होगा बीसी के, और वो एंड हाफ होगा बीसी के, एंड वेरी गुड, हाफ ऑफ बीसी हाफ ऑफ बी सी भी होगा, ठीक है, तो हो जाएगा। ये रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट कभी मत भूलना इस एक्सरसाइज में, इस रिजल्ट को बिल्कुल मत भूलना। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कन्वर्स का मतलब ये हुआ, ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, शॉर्टकट में उसको लिखेंगे तो एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद अगर आपको ये कहा जाए कि ये एक मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये एक मिड पॉइंट है, और साथ ही साथ ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दे दिया गया है अगर, है ना, इसमें आपको ए डी जो है वो, ए डी जो है वो डी बी के इक्वल दिया गया यस सर, है, और साथ ही साथ ये भी बोल दिया गया है कि डी ई पैरेलल भी है बी सी के, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल भी है, ठीक है, ये अगर दो कंडीशंस एक साथ दिए हुए हैं, ए डी डी बी के इक्वल है यस सर, और डी ई बी सी के पैरेलल है, तो आप कह सकते हो देन कि ए ई जो है वो ई सी के भी इक्वल होगा, मतलब ई ई यस जो है, सर, ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ये कन्वर्स था, यस सर, कन्वर्स ऑफ एम पी टी था, ये क्या कहलाता है, एमपीटी कन्वर्स लिखते कन्वर्स, हैं ना, ब्रैकेट में जब हम इसमें करेंगे तो कन्वर्स एमपीटी। ऑफ एम पी टी, ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखना है, ऊपर जो लिखा हुआ है एम पी टी वो भी, और कन्वर्स ऑफ एम पी टी ये भी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको पी और क्यू मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस फिगर में पी और क्यू मिड पॉइंट्स दिए होंगे तो आप क्या कहोगे, पी क्यू पैरल होगा बी सी के एंड पी क्यू हाफ होगा बी सी के, पी एन क्यू मिड पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो ये होगा। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, सॉरी एमपीटी में क्या होता है कि ए डी जो है डीबी के इक्वल दिया होगा, इसमें फिगर में देख लो ए डी डीबी के इक्वल है, ठीक है, और डी ई पैरल दिया हुआ है बी सी के, देन ए ई जो है वो भी ई सी के इक्वल होगा, दैट इज ई मिड पॉइंट होगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, और ये रिजल्ट आपको अगर याद है तो बस थोड़ा सा इंटेलिजेंस चाहिए, है ना, थोड़ा सा इंटेलिजेंस चाहिए, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस रिजल्ट को लेकिन अच्छे तरीके से याद रखना होगा, और उसके बाद अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें अगर हम देखें तो ए सी डायगनल दिया हुआ है, एस मिड पॉइंट है, आर भी मिड पॉइंट है साइड्स का, अलग अलग साइड्स का, पी भी मिड पॉइंट है, ऐसे ही क्यू भी मिड पॉइंट है, तो अगर हम देखें, अगर ध्यान से देखें किस पे, अगर हम इस ट्रायंगल पे ट्राइंगल फोकस करें, यस एडीसी और एडीसी पे, मैंने हाँ, एडीसी ट्रायंगल पे फोकस यही करो, किया था। एडीसी पे ट्रायंगल पे फोकस करोगे अगर, तो देखो ध्यान से, इसमें इन ट्रायंगल डीएसी में देखें, डीएसी ट्रायंगल में देखें तो एस और आर मिड पॉइंट्स हैं, एस एंड आर, आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ ये एडी एंड डीसी रेस्पेक्टिवली, ठीक
ठीक है, इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, एस आर क्या हो जाना चाहिए, एस आर हो जाना चाहिए हाफ ए सी, हाफ ए सी, एस आर जो है वो पैरेलल, ठीक है, वाई एम पी टी हो गया, पहला पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया, यही करना था, ठीक है। तो इसमें सर यहाँ पर हमें मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ नहीं करना होगा, जो हमें प्रूफ दिया गया था। मिड पॉइंट थ्योरम कब प्रूफ करते हो, हर एक क्वेश्चन में थ्योरम थोड़ी प्रूफ किया जाता है, थ्योरम तो यूज करते हैं, हाँ थ्योरम को यूज किया जाता है। तो एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल होगा और एस आर जो है वो 1/2 ए सी भी होगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया। तो इसमें 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 आपको मैंने कहा क्या क्या कहा कि थ्योरम आपको याद होना चाहिए और थोड़ी सी इंटेलिजेंस यूज करनी है। तो वो इंटेलिजेंस ये है कि आपको एडीसी ट्रायंगल पे फोकस करके देखना है, क्योंकि और कैसे क्यों देखेंगे एडीसी पे, क्योंकि दिख रहा है कि एसआर और एसी की जो बात करेंगे, एसआर और एसी कहाँ है, वो एडीसी ट्रायंगल में ही तो हो रहा है। तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हुआ है, हाँ फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट करने के लिए क्या करना होगा, अब दूसरे ट्रायंगल पे फोकस करना पड़ेगा। सर बीएसी को हाफ एसी के प्रूफ कर देंगे और फिर एसआर और पीक्यू इक्वल हो जाएंगे। सर लिख सकते हैं सर पीक्यू इज हाफ ऑफ एसी, हाँ ये ट्रायंगल पे फोकस करो अब, ठीक है, इस ट्रायंगल पे फोकस करो। इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है, दूसरा जो ट्रायंगल है ना एसीबी ट्रायंगल, उसमें भी यही बात है। तो पीक्यू इज पैरेलल टू एसी एंड पीक्यू इक्वल्स टू हाफ एसी, इन ट्राइंगल ए सी बी जो है सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पर, सिमिलरली यस सर, इन ट्राइंगल ए सी बी पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के। सर हमें एस आर प्रूफ करना है, हाँ ए सी सर एस आर प्रूफ करना है पी क्यू को, हाँ सर यस सर, हम ऐसा कर सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ए सी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ ए सी प्रूफ हो जाएगा, तो एस आर पी क्यू इक्वल्स टू इक्वल हो जाएगा, हो ही जाएगा ना, यस सर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन इसको एज्यूम कर लेंगे, इसको इक्वेशन टू कह देंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एस आर जो है वो पी क्यू के इक्वल होगा। देख रहे हो ये कैसे प्रूव हो गया भाई, एस आर पी क्यू, यूक्लिड के एक्सियम से। यूक्लिड का एक्सियम कहता है कि अगर एस आर 1/2 ए सी के इक्वल है और 1/2 ए सी पी क्यू के इक्वल है, तो पी क्यू और एस आर भी इक्वल होंगे। Also, sir, SR is parallel to PQ. हाँ तो ये हाँ ठीक है। यहाँ पर एक चीज ये भी तुम कह सकते हो कि पी क्यू एस सी जो है ए सी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी जो है वो एस आर के भी पैरेलल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऑल्सो एस आर जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके, पी क्यू के, ठीक है, पी क्यू है ना, एस आर पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि एस आर ए सी के पैरेलल है और यहाँ से देखें तो ए सी पी क्यू के पैरेलल है, तो पी क्यू भी एस आर के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। दो चीजें, दो लाइंस पैरेलल हैं तो तीसरे लाइन के भी पैरेलल हो जाएगा। और जब एस आर पी क्यू के इक्वल भी है और एस आर पी क्यू के पैरेलल भी है, तो ये तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन हमने सीख ही रखा था, थ्योरम 8.8, ठीक है, थ्योरम 8.8 पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब तो थ्योरम भी याद हो गया है तो लिख देंगे थ्योरम 8.8, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा सब। यस सर, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फिगर नहीं दिया हुआ है, आप लोगों को खुद से फिगर बनाना है क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। यस सर, सर ये क्या लिखा है आर, ये क्या लिखा है सर आर के बाद, ये समझ नहीं आ रहा।
सर डन। ओके एक्सक्यूज मी सर, बोलो। नहीं सर क्लियर हो गया, सॉरी। सर डन। ठीक है, बाकी बच्चे को भी ट्राई करने दो, बाकी बच्चे भी आंसर निकालो बेटा। सर डन। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो। सर डन। नो सर। सर डन। रोम्बस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड्स बराबर हों। रोम्बस का मतलब चारों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है? इस तरीके का पैरेललोग्राम जैसा दिखता है बट इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ये देखा हमने बना दिया ए बी सी डी, इसमें चारों साइड्स इक्वल है और इसमें लिखा हुआ है कि ए बी बी सी सी डी इन सब के ये मिड पॉइंट है। पी मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, आर भी मिड पॉइंट है और एस भी मिड पॉइंट है, ठीक है? तो इसमें हमें सर ये पॉलिसी की तरह ही बनेगा थोड़ा, ठीक है? तो ये बना दिया हमने। इसमें ए सी को ज्वाइन कर देंगे, ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है? सर डी को बी से। हाँ, ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो इसमें सर हमें डी एक नहीं ज्वाइन होंगे, हाँ सर डी और बी, सर डी बी भी तो ज्वाइन होंगे। अच्छा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है? ये हमें ए बी सी डी रोम्बस दिया हुआ है, ए बी सी डी रोम्बस है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है? ये दिया हुआ है एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली, ये हमें दिया हुआ है, ठीक? हमें प्रूव करना है इसमें, टू प्रूफ पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है हमें। तो इसमें प्रूफ के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो ध्यान से देखो। प्रूफ के लिए इसमें क्या यूज करेंगे कि सबसे पहली बात कि ए सी जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ एस आर होगा एंड ए सी इज पैरेलल टू एस आर, ठीक? मिड पॉइंट थ्योरम से सर एस आर पैरेलल करेक्ट। टू ए सी और एस आर इज इक्वल टू 1/2 ए सी होगा ना? हाँ, ए सी इज इक्वल टू, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी। यस सर ए उल्टा हो सी इज गया। इक्वल टू हाफ एस आर नहीं होगा, ये हो जाएगा एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी एंड ए सी इज पैरेलल टू एस आर, या एस आर इज पैरेलल टू ए सी, तो एक ही बात है। तो एस आर हाफ आ गया। सिमिलरली एक बात और, पी क्यू भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी सी एंड पैरेलल टू एस पी क्यू, पी एंड क्यू सर इज पैरेलल टू, पैरेलल आल्सो हाँ प्लस पैरेलल, पैरेलल टू ठीक है? ये हो एस गया। इक्वल्स टू हाँ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयर फॉर एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है? एस आर इज इक्वल टू पी आल्सो पैरेलल एंड एस आर इज एंड आल्सो पैरेलल टू पी पैरेलल। क्यू, पी क्यू, ठीक है? हेंस यहाँ से एक बात आप कह सकते हो कि हेंस PQR is the parallelogram theorem 8.2। यस सर। हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ये थ्योरम था 8.8 थ्योरम, ये था इसकी वजह से, है ना? अब आते हैं वापस कि रेक्टेंगल प्रूव करना है हमें, है ना? तो रेक्टेंगल जब प्रूव हाँ रेक्टेंगल जब प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि एंगल को हमें दिखाना पड़ेगा, एंगल को हमें दिखाना पड़ेगा 90 डिग्री, ठीक है? एंगल को हमें दिखा देंगे तो हो जाएगा। कौन सा एंगल? हाँ, एक भी एंगल को दिखा देंगे 90 तो माना जाएगा, ठीक है?
तो हाँ, तो इस तरीके से देख सकते हैं हम, इस तरीके से देख सकते हैं इस पॉइंट को, अगर मान लो कि एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है, तो 90 डिग्री अगर दिखाना है तो इस पॉइंट को हम सपोज एम नाम दे देते हैं, इसको एन कह देते हैं, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं चलो, ठीक है, तो एम एन अगर नाम दे देते हैं बेटा, ध्यान से देखना, इसको भी कुछ एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं जेड एल एम एन ओ, ठीक है, इस तरीके से नाम दे दिया एल एम एन ओ, ओके okay. तो अब देख सकते हो पी क्यू आर एस तो पैरेललोग्राम है, अब इसमें ना एक एंगल को 90 डिग्री दिखाना है, तो अब ये 90 डिग्री कैसे दिखाएंगे, सबसे पहली बात तो हम देखें तो आर एल एन जो एंगल होगा, हम ये जानते हैं कि रोम्बस में क्या होता है, डायगनल्स रोम्बस का जो होता है ना, डायगनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये तो जानते हैं हम, डायगनल्स होते हैं, डायगनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये बात तो सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर एल एम एन ओ, है ना, इसका नाम रख इसका नाम रखना पड़ेगा क्या रख दें इसका नाम, ई रख देते हैं, ठीक है, पी क्यू भी रख सकते हैं, क्यू लिया हुआ है ऑलरेडी, क्यू लिया हुआ था तो ई रख देते हैं, ठीक है, ई पॉइंट ले लिया हमने, तो अब देखो होगा क्या इसमें कि आर एल ई जो एंगल होगा ना, आर एल ई एंगल, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, वो इंटीरियर एंगल्स, यस सर, को इंटीरियर क्यों है बेटा, क्योंकि आप देख ही सकते हो ना कि ये एसी लाइन जो था वो तो पैरेलल है एसआर के, है ना, एसआर के पैरेलल अभी अभी दिखाया हमने, ये देखो, तो ऐसे ही ये एंगल 90 हो जाएगा को इंटीरियर की वजह से, और क्योंकि पीएस भी आरक्यू के पैरेलल है, पैरेललोग्राम हो गया ना, पीक्यूआरएस इज अ पैरेललोग्राम, पीक्यूआरएस पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन जो एसपी लाइन है वो आरक्यू के भी पैरेलल हो जाएगा, एसक्यू लाइन जो है, सॉरी एसपी लाइन जो है वो आरक्यू लाइन के भी पैरेलल हो जाएगा, एसपी लाइन आरक्यू के भी पैरेलल हो जाएगा, तो ये जब 90 डिग्री होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर 90 डिग्री हो जाएगा करस्पोंडिंग एंगल की, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से कह सकते हो आप यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल यहाँ से आप कह सकते हो आर एस पी जो है, और एंगल आर एस पी जो है वो भी 90 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब मंडे के एंगल्स निकाल सकते हैं ना, क्योंकि साइड्स पहले, सर साइड्स पहले ले तो अंदर के एंगल्स निकाल लेंगे, प्लस हमारे पास ये भी एक पैरेललोग्राम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कह सकते हो यहाँ से, नहीं तो कोई इंटीरियर भी कह सकते हो, करस्पॉन्डिंग मत बोलो तो कोई इंटीरियर ही बोल दो इसको, ठीक है, इसको भी कोई इंटीरियर ही कह दो तो भी आ जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 होगा, तो फिर ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है, कैसे, कोई इंटीरियर एंगल्स, है ना, देयरफॉर यहाँ से लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम नहीं, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, किसी भी पैरेललोग्राम का सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया यहाँ पर कि ये जो पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राम है, देखो यहाँ पर हमने इसमें ये इस पार्ट में यहाँ तक हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के हेल्प से, पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हमने अगर एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दिया है तो वो अपने आप में रेक्टेंगल हो जाता है, ओके सर, मतलब हम अगर 90 डिग्री दिखाते हैं तो फिर जरूरत नहीं है फर्दर आगे सबको दिखाने की, हाँ बिल्कुल, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये होती है रोम्बस की प्रॉपर्टी, इन रोम्बस, ठीक है, यहाँ पर एक बात और लिखनी जरूरी है कि इन रोम्बस, ठीक है, रोम्बस में डायगनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे, उस वजह से आर एल ई जो एंगल होगा, अब देख लो आर एल ई एंगल कहाँ पर है ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इस एल पॉइंट पे आर एल ई जो एंगल बनेगा ना वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों होगा भाई, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ये ई एंगल जो बन रहा है एन ई एल एंगल, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 हो जाएगा, फिर इसके बाद लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा, और फिर आर एस पी एंगल जो है वो 90 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल की वजह से, और आप कह सकते हो यहाँ से कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि उसका एक एंगल पैरेललोग्राम था, पहले तो ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम था, और पैरेललोग्राम का एक एंगल जब भी 90 होता है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया इस चीज को, कोई भी पैरेललोग्राम, जरा सोचो ना पैरेललोग्राम, देखो ये पैरेललोग्राम है मान लो, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, इसमें पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए,
अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए या अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है तो भी चलेगा, ठीक है। बहुत सारे डेफिनेशन होते ना थ्योरम्स, कई सारे थ्योरम्स थे पैरेललोग्राम से रिलेटेड। अब जो ये जो साइड है, इस साइड को तुम यहाँ पर स्ट्रेट कर दोगे, सीधा कर दोगे, तो ये जो साइड है ये भी सीधा हो जाएगा, इस तरीके से कुछ बन जाएगा, तो रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा। एक भी एंगल 90 हुआ तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 होगा, ये भी सारे 90 हो जाएंगे, ठीक है। क्या कह रहे हो सर? इसको हम एक और तरीके से भी तो कर सकते थे। कैसे? यस सर, हम APS और सर CRQ को सर हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते। हाँ तो सर APM और सर उसके बाद हमारा CQR सर हमारा जो इक्वल है वो हो जाता। और सर सिंस BP इज इक्वल टू BQ बिकॉज इट इज अ रोम्बस, और सर हाफ भी उसको इक्वल होगा तो सर वो भी इक्वल हो जाते BPO और BQO, तो सर वो भी इक्वल हो जाते। तो सर एंगल APM प्लस एंगल E प्लस एंगल BPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सर वो भी वहां पे वही करते। हां हम लोगों ने जैसे किया था लास्ट क्लास में क्वेश्चन वही था। हाँ यस सर, वो लंबा हो जाता थोड़ा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिड पॉइंट चल रहा है अभी। सर डन? सर नॉट डन। ठीक है, बाकी बच्चे ट्राई करो, सभी बच्चे ट्राई करो इसको। पहले तो ABCD आप एक रेक्टेंगल बनाओ और फिर उसके बाद। सर डन। सर डन। इसका नहीं आ रहा बेटा। सर डन। तो मेरा नहीं आ रहा ये वाला। ओके पहले रेक्टेंगल। यस सर, मेरा भी नहीं आ रहा। पहले फिगर बनाओ, फिगर बनाओ बेटा। पहले सबसे पहले आप लोग फिगर बना लो। स्क्वायर बना लिया? स्क्वायर बना लिया। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, सॉरी, रेक्टेंगल का फिगर बना लिया सबने। मिड पॉइंट्स उस पे डाल दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। सर इसमें क्या पूछ रहे हैं? रोम्बस के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल तो रोम्बस प्रूव हो जाएगा। यस सर, मेरे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, उसके बाद एडजेसेंट साइड प्रूव करेंगे इक्वल। हां स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स इक्वल भी दिखाना होगा, एंगल्स को 90 होगा। सर मिड पॉइंट्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल व्हेन जॉइंट फॉर्म अ पैरेललोग्राम। हां बिल्कुल, बहुत ही आसान है। लास्ट क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया होगा। यस, लास्ट क्वेश्चन जिसका आ गया होगा वो ये आपके क्वेश्चन आसानी से करेंगे कि जो रोम्बस के डायगोनल है वो 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं। वो तो प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है। हमें सारी चीजें प्रॉपर्टी भी उसकी थोड़ी प्रूफ करनी होती है। रोम्बस में हमने ये अगर कह दिया कि चारों साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो रोम्बस ही होगा, बस इतना ही सफिशियंट है उसके लिए। आप उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बतानी है हमें, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम से भी हो जाएगा। अच्छा ABCD, ये बेटा देखो रोम्बस है और ABCD के मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। सॉरी ABCD मिड पॉइंट, ये AB का मिड पॉइंट P है, इसका मिड पॉइंट Q है, इसका मिड पॉइंट R है, यस, इसका मिड पॉइंट S है। अब ये
ज्वाइन कर दो सारे साइड्स को, ठीक है। ये रहा, तो आप देख सकते हो इस तरीके से कि ए को सी से भी ज्वाइन कर दो और ए को सी से भी ज्वाइन कर दो, और चाहो आप तो ये परफेक्ट फिगर नहीं बन पाया बट स्टिल समझ में आ रहा होगा, ओ पॉइंट ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखें हम इसमें, तो देखो ए सी जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एस आर हो जाएगा सर, एस हाफ ऑफ ए सी होगा सर, उल्टा लिख दिया आपने सर, उल्टा है, क्या हो गया सर, उल्टा है। एस आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, ठीक है। एस आर हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, ठीक है, और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम ऑल्सो। आर क्यू जो है वो हाफ ऑफ बी डी होगा, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में, डी सी बी ट्रायंगल में देखोगे ना तो ये तो मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है क्यू, तो मिड पॉइंट थ्योरम इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, है ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप देख सको, इस ट्रायंगल में आप जब देखोगे ना, आप इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जब आप फोकस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो फिर क्या होना चाहिए, आर क्यू जो है वो पैरेलल होना चाहिए और डीबी का हाफ होना चाहिए, क्या होगा इसी तरीके से हाफ ऑफ पी डी होगा, हाफ ऑफ पी डी होगा बाय मिड पॉइंट, बिल्कुल सही बात। एंड वी हैव बी डी इज इक्वल टू ए सी, इसका रीजन क्या होगा, डायगनल्स ऑफ स्क्वायर, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, हाँ डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, पैरेललोग्राम के डायगनल्स इक्वल होते हैं नहीं, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। तो हाँ, तो अब आप अगर देखोगे ना बेटा, ध्यान से देखोगे आप तो आपको क्या दिखेगा कि भाई जब ये बी डी इक्वल है, अच्छा यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आर क्यू इज इक्वल टू एस पी, ठीक है, आर क्यू इज इक्वल टू एस पी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, और हाफ ऑफ ए सी, ये दोनों के दोनों हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, ये दोनों के दोनों हाफ ऑफ बी डी के इक्वल है, लेकिन क्योंकि ए सी और बी डी ही इक्वल हो गया है, ए सी और बी डी ही जब इक्वल हो गया है, ये गलत लिख दिया मैंने, बी डी इज इक्वल टू ए सी होगा यहाँ पर, ठीक है, ए डी इज सॉरी बी डी इज इक्वल टू ए सी होगा, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, है ना, तो इसको आप नाम दे दो इक्वेशन टू, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन वन, तो आप यहाँ से लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन और टू से अगर हम देखेंगे तो क्योंकि ए सी और बी डी इक्वल हो चुका है, तो सीधी सी बात यह है कि एस आर पी क्यू जो है वही आर क्यू और एस पी सब बराबर हो जाएंगे, बिकॉज ए सी और बी डी इक्वल हो चुका है ना, ए सी बी डी क्यों इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल होते हैं, फ्रॉम वन एंड टू एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू एस पी, सब इक्वल हो जाएंगे, है ना, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक है, समझ में आया सबको ये, यस सर, यस सर, एनी डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, एक्सक्यूज मी सर, नो सर, नो सर, आपने बता दिया था सर, रेक्टेंगल में हमें अपोजिट साइड्स और राइट एंगल प्रूव करना होता है ना, और पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स, हाँ जी बिल्कुल, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें तो फिगर भी दिया हुआ है,
सर डन। सर डन। हाँ करो, ट्राई करो, सभी बच्चे ट्राई करो। सर डन। सर डन। सर एक मिनट। अभी एक मिनट। सडन सडन सडन। ओके तो देखो, जिन बच्चों का नहीं आया मैं उनके उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो ए बी और डी सी पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है कि ई मिड पॉइंट है एंड ई एफ जो है वो पैरेलल ड्रॉ किया गया है ए बी के, ठीक है। तो मतलब तीनों लाइन पैरेलल हो गए, बेसिकली डी सी, ई एफ और ए बी तीनों पैरेलल हो गए। अब उसके बाद कह रहा है कि प्रूव करो कि एफ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, एफ बी सी का मिड पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमें पता नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका नाम हम पी रख देते हैं, ठीक है। लेट ई एफ इंटरसेक्ट्स इंटरसेक्ट्स डी बी एट पी, ठीक है। तो होगा क्या कि ई पी पैरेलल हो जाएगा किसके, ई पी पैरेलल हो जाएगा ए बी के एंड ई पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। कैसे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम से। ये बात तो सबको समझ में आई हुई ना, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं सॉरी, कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ एमपीटी कन्वर्स। हाँ कन्वर्स, क्योंकि इसमें हमें ये ई और पी दो मिड पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, हमें इसमें ई मिड पॉइंट दिया हुआ है एंड ई पी पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। ई पी, ई पी मतलब ई एफ, ई एफ पैरेलल है तो ई पी भी तो पैरेलल ही हुआ ना, क्योंकि ई एफ का ही तो पार्ट है ई पी, तो ई पी भी पैरेलल होगा ए बी के, तो ई पी पैरेलल भी है ए बी के और ई पी हाफ हो जाएगा ए बी के, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ई पी तो पैरेलल है ही, मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, मुझे मेरे ख्याल से ये मैंने गलत लिख दिया बेटा, ये मैंने गलत लिख दिया है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, मुझे ये लिखना चाहिए था कि डी पी इज इक्वल टू DP is equal to PB, ये लिखना चाहिए था मुझे। हाँ कन्वर्स ऑफ BPT, जो मैंने लिखा था ना इससे पहले, जो लिखा था ना इससे पहले जो मैंने लिखा था वो तो ऑलरेडी गिवन था कि EP हाफ होगा इसका, वो उससे में मतलब ही नहीं था, EP तो पैरेलल गिवन है ऑलरेडी। तो हम ये कह सकते थे DP और PB इक्वल है, ठीक है। DP और PB इक्वल हो जाएगा क्यों, क्योंकि PB मिड पॉइंट हो जाएगा, हमें DE ऑलरेडी EA के इक्वल दिया है और EP पैरेलल दिया हुआ है AB को, तो हाँ तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी से हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ईपी को हाफ ऑफ ए बी क्यों नहीं लिखा, जरूरत नहीं है उसकी, चाहो तो आप लिख सकते हो ईपी जो है वो हाफ ऑफ ए बी होगा, बट उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका कोई यूज ही नहीं है। हमें तो दिखाना है कि एफ मिड पॉइंट है बी सी का, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल, अब ध्यान से देखें, अगर हम नाउ इन ट्राइंगल डी सी बी में अगर देखें, पी इज मिड पॉइंट, क्योंकि पी एफ पैरेलल ए सी ए बी है और ए बी पैरेलल डी सी है, तो इसलिए पी एफ पैरेलल डी सी हो जाएगा। हेंस बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ठीक है, यही करना था। तो अभी भी देखो मुझे जहां तक फीलिंग आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं कैसे आ रही है ये फीलिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे तो अभी मेरे साथ एग्री भी करेंगे मन ही मन में कि अभी भी परफेक्टली उनको कन्वर्स ऑफ एमपीटी जो है ना वो अच्छे तरीके से
समझ में नहीं आया है। एमपीटी तो समझ में आ गया होगा, कन्वर्स उसका अच्छे तरीके से दिमाग में सेट नहीं हुआ है अभी। ठीक सर, ये तो एक बार जरूर ऑपरेशन हुआ है ना, जिसमें हमने कन्वर्सर एमपीटी लगाया है डीएबी ट्रायंगल में ना। हाँ, ऊपर वाला डीएबी ट्रायंगल है। ओके सर, तब तो हो जाएगा सर कन्वर्स ऑफ एमपीटी। आ गया समझ में सबको बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। एफ इज हाफ ऑफ एबी प्लस सीडी। हाँ वो भी आएगा कहीं पर, क्वेश्चन होगा वैसा। सर मतलब कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम में हमें एक मिड पॉइंट दे रखा है और पैरेलल दे रखा है, तो हमें दूसरा पता चल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 करो। सर ट्राइसेक्ट तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सर डन। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करो बेटा, सभी बच्चे। ई और एफ मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चीज तो समझ ही सकते हो कि ये साइड इसके बराबर हो जाएगा, और एबीसीडी पैरेललोग्राम भी है तो ऑब्वियसली यही इतने के बराबर भी होगा। मतलब बेसिकली हुआ क्या कि जो एई है ना वो ईबी के भी इक्वल होगा, और एई ईबी डीएफ एफसी सब बराबर होंगे, बिकॉज एबी तो ऑलरेडी किसके इक्वल है? डीसी के बराबर है, ठीक है? तो एबी डीसी के इक्वल है, तो एई जो है वो ऑब्वियसली ईबी के तो इक्वल दिया ही हुआ मिड पॉइंट है, लेकिन ये दोनों के दोनों एई और ईबी जो है हाफ ऑफ एबी है, तो डीएफ भी इतने के बराबर हो जाएगा। सब बराबर हो जाएंगे, सब बराबर है सर। सब बराबर कैसे हो जाएंगे? यही यही चीज मैं अभी बोलने ही वाला था। अभी देखो ये अब जरा सोचो कि ये यूक्लिड का एक्सियम है, यूक्लिड का एक्सियम है ए बी डी सी के बराबर है, ए बी डी सी के बराबर है, ठीक है? और ए ई बी बराबर है, तो ए ई और ई बी अगर बराबर है तो दोनों के दोनों हाफ ऑफ ए बी हो जाएंगे, ठीक है? और डी एफ और एफ सी बराबर है, तो डी एफ और एफ सी बराबर है, तो ये दोनों के दोनों हाफ ऑफ डी सी हो जाएंगे, लेकिन ए बी और डी सी दोनों आपस में बराबर है, तो ए ई बी डी एफ एफ सी सब बराबर नहीं हो जाएंगे? देखो कितना सिंपल है ये ध्यान से तुम देखोगे ना तुम्हें अच्छा ये था, ये तो सिंपल है, बट स्टिल ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो क्या है ये? एक्सियम ही तो है, यूक्लिड का एक्सियम। इसलिए एक्सियम बच्चे ना कुछ बच्चे यूक्लिड ज्योमेट्री को कहते हैं छोड़ो हटाओ, नहीं करना है नहीं करना है। देख सकते हो बार बार तुम्हें डिस्टर्ब यही करेगा, और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार तो मैंने तुम्हें दिखाया है कि देखो ये तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, ये तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये चीज कैसे हो गया इक्वल, ठीक है? बट कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन के टाइम सॉल्व करते टाइम में कि ये चीजें आती है, आप उसको समझ में आपको नहीं आता है, आपको क्वेश्चन लगता है कि ये टफ हो गया क्वेश्चन, बिकॉज़ आपको एक्सियम का अच्छे तरीके से आइडिया नहीं है, इसीलिए। सो गेटिंग माय पॉइंट, इट इज सिंपल है। बताया था क्या सर ये डीएफ इक्वल्स टू एफसी के बाद आपने सर क्या बताया था? कुछ नहीं, डीएफ एफसी के बाद कहां कुछ बताया, अभी तो मैंने क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व किया, मैं तो तुम्हें हिंट दे रहा था, कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं ना अभी, तो मैं हिंट दे रहा था उनको। अच्छा सर, ओके। सो
कैसे करेंगे इसको बेटा? एनी आइडिया? सर EQ PF के इक्वल हो जाएगा। यस सर, कर लिया। ओके बताओ कैसे किया? ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी और सी डी बराबर हो जाएंगे, इसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वेरी गुड सर। डीपी तो बीक्यू के इक्वल आ गया सर, पीक्यू का नहीं आ रहा। रुको, आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ये ई एन एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए ई ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है? Yes, तो देयरफॉर ये दोनों के मिड पॉइंट हैं, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो ए ई होगा वही ई बी के भी इक्वल होगा, और यही इक्वल हो जाएगा डी एफ के, और यही हो जाएगा एफ सी, सब बराबर हो जाएंगे। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। नाउ ए ई जो है वो इक्वल है एफ सी के, एंड ए ई जो है ये पैरेलल है एफ सी के, ऑब्वियसली के। यस सर, क्योंकि सर ए बी पैरेलल टू बी सी एफ पैरेललोग्राम है। ए ई सी एफ क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। ऑब्वियसली एफ सी तो पैरेलल होगा ही ना ए ई के। अब ये किसी को इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि एफ सी जो है वो ए ई के पैरेलल क्यों है, ये किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी सी और ए बी पैरेलल है, तो ऑब्वियसली एफ सी और ए ई भी पैरेलल। यस, और ए, अब ये यहां से ए सी एफ को हम क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम कह सकते हैं। वेरी गुड, पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम हो गया तो इसका मतलब यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि पी एफ जो हो जाएगा वो क्यू सी के पैरेलल हो जाएगा। यस सर, पी एफ भी तो इसी का पार्ट है, ए एफ भी तो पैरेलल हो जाएगा ना सी के। ए एफ, ए एफ जो है बेटा, ए एफ भी तो पैरेलल हो जाएगा सी के। क्यों होगा पैरेलल? क्योंकि हमने कह दिया ना ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है, तो ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं उसके, तो ए एफ पैरेलल हो जाएगा सी ई के, मतलब पी एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू सी के, बिकॉज ए ई सी एफ पैरेललोग्राम है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको ये? यस सर। यस सर। हाँ, अब ये जरा सोचो कि ये लाइन जब इसके पैरेलल हो जाएगी, क्यू सी लाइन जो है वो पी एफ के पैरेलल हो जाएगी, और एफ ऑलरेडी मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो आप कह नहीं सकते हो कि डी पी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। यस सर, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। नाउ ट्रायंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी में डी पी और पी क्यू इक्वल हो जाएगा कैसे? कन्वर्स ऑफ एम पी टी से। सर सेम, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट, हाँ थोड़ा सा कंसंट्रेट करो कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है, और एफ पी पैरेलल है सी क्यू के। एफ मिड पॉइंट है और एफ पी पैरेलल है सी क्यू के, तो पी भी मिड पॉइंट होगा डी क्यू का, इन ट्राइंगल डी क्यू सी में देखें तो। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है इस तरीके से फिगर दिया। सेम लॉजिक से ट्राइंगल ए बी में, क्यू जो है वो क्यू बी के, कन्वर्स ऑफ बी, कन्वर्स ऑफ एम पी टी। हाँ, इसको हम इक्वेशन वन इक्वेशन टू नाम दे देते हैं, है ना? फ्रॉम वन एंड टू, और फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आप कह सकते हो डी पी जो है ये पी क्यू के, और यही क्यू बी के इक्वल है। तो ये जब भी ऐसा होता है ना, तो इसी को ट्राइसेक्ट करना बोलते हैं। एक लाइन सेगमेंट है बेटा, देखो ध्यान से, अगर इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो तो इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना, दो पार्ट में जब डिवाइड करते हैं, और जब तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में, तीन इक्वल पार्ट्स में, तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों? ट्राइसेक्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइसेक्ट। तो वही यहां पर डी पी पी क्यू और क्यू बी अगर इक्वल, यस, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डी पी पी क्यू और क्यू बी अगर इक्वल हो जाए तो हम इसी को बोलेंगे ट्राइसेक्ट हो रहा है। और कौन ट्राइसेक्ट कर रहा है इसको? पॉइंट्स पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट कर रहा है। पी एंड क्यू, हाँ,
यस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पी और क्यू पॉइंट्स हैं। यस और कौन से लाइंस ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो वो लाइंस हैं ए एफ एंड सी। यस ए एफ एंड सी ई वो लाइंस हैं जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, और पॉइंट्स की बात करेंगे तो पी और क्यू वो पॉइंट्स हैं जो इनको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। हेंस यहां से आप लिख दो, क्या लिखोगे यहां से, हेंस ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट डायगनल बी डी, डायगनल बी डी। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर यही विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था कि ये पी ए बी ट्रायंगल होगा और डी क्यू सी ट्रायंगल होगा। ओके कल को छोड़ के, कल मत करना। इसमें से मान लो कि जैसे हम आज 7 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, 7 क्वेश्चंस, तो कुछ बच्चों का तो 7 के 7 क्वेश्चंस आसानी से आ गए होंगे, सॉल्व हो गए होंगे। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है 4 क्वेश्चंस हुए हों, 3 क्वेश्चंस नहीं कर पाए हों खुद से, और कुछ बच्चों का ऐसा भी होगा जिनके 5-6 क्वेश्चंस हो सकते हैं, कर ही ना पाए हों बिल्कुल भी। ठीक है, खुद से नहीं कर पाए हों, मतलब स्ट्राइक नहीं किया होगा। तो जितने भी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए हो वो कल मत करना, परसों फिर से एक बार ट्राई करना। ठीक है, कल को छोड़ के परसों आप फिर से एक बार ट्राई करना उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि तभी आप अटक जाओ क्वेश्चन को, लेकिन फिर अपने आप को चैलेंज करो आप कि अच्छा ये तो टीचर ने एक्सप्लेन किया क्लास में फिर भी मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब मुझे और एफर्ट लगाना चाहिए, तो फिर खुद से एफर्ट लगाना। ठीक है, हो सकता है एक बार में ना हो सॉल्व, तो फिर से अपने आप को चैलेंज करो कि नहीं मैं करूंगा इसको, और फिर दोबारा ट्राई करना उन क्वेश्चंस को जिन क्वेश्चंस को अभी आप नहीं कर पा रहे हो क्लास के टाइम में। तो उससे क्या होगा कि फिर वो आपके आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। किसी भी चीज़ में आप कमजोर हो उसमें आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो जब आप परफॉर्म करने का टाइम आएगा, जब आप एग्जाम लिखोगे, तो उस टाइम में आपको ये आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ें समझना, और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आपका क्या कहना चाहिए मार्क्स जो है वो बेहतर आएंगे फिर। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th नंबर। एक मिनट का टाइम है, एक नहीं सभी बच्चे 2 मिनट का टाइम है, सभी बच्चे ट्राई करो। सर डन।
कई बच्चों ने कर लिया है, मयंक ने, अर्णव ने, लव्य ने, सब मैंने भी कर लिया, अरसलन ने, अरसलन ने नहीं किया है, करो बेटा ट्राई करो एक बार, नारायण ने कर लिया है, प्रथम ने कर लिया, यशस्वी ने कर लिया, यशवी, यशवी नाम है, ओके, मनोज कुमार, मयंक ने कर लिया, वेरी गुड, भूमिका ने कर लिया। सो इसमें आपको दिया हुआ है कि मिड पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल की मिड पॉइंट, तो क्वाड्रिलेटरल बोला गया यहाँ पर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस ये सब कुछ नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल में जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात हो तो आप ऐसे ही रेंडमली एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो ना तो पैरेललोग्राम जैसा दिखता हो, ना रेक्टेंगल जैसा, ना रोम्बस जैसा, ना स्क्वायर जैसा, ना काइट जैसा, मतलब स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, ये सब स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम्स हैं, पैरेललोग्राम सॉरी स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस है ना, काइट और क्या था, रेक्टेंगल, ये सब ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम यस, ये सब स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम्स हैं, स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, सॉरी स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। तो जब क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन में लिखा रहता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल, साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो आप क्वाड्रिलेटरल जो बनाओगे ना, कंस्ट्रक्ट करोगे, वो स्पेशल नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो ना तो ट्रेपीजियम जैसा दिखे, ना स्क्वायर जैसा दिखे, ना सर अगर हम स्पेशल टाइप में बना दिए तो नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं कटेगा, लेकिन तुम उसको जैसे बना दोगे और फिर उसके बाद ये भी ऐसा बना दिया तुमने और ये भी कह दोगे कि ये रेक्टेंगल है और तब सॉल्व करोगे तो नंबर कट, नहीं कह रहे, हाँ ऐसा बना दोगे और तुम इसको रेक्टेंगल नहीं कह रहे हो और फिर ऐसे ही सॉल्व कर रहे हो तो नंबर नहीं कटेगा, ओके सर। तो ऐसा इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, ए बी सी डी मान लो कि हमने यहाँ पर लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ये क्वाड्रिलेटरल है, एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली, ये रहा पी पॉइंट, ये रहा क्यू पॉइंट, ये है आर पॉइंट और ये है एस पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर, सर हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं क्या कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होगा, हमें एडवर्स में प्रूव करने की जरूरत है क्या? हाँ कह सकते हैं, प्रूव करना पड़ेगा ना, ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, पी क्यू आर एस को प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है? यस सर, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम ही प्रूव करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ तो अपने आप प्रूव हो रहा है ये, ठीक है, बाकी सब कुछ तो अपने आप प्रूव हो ही जाएगा। सो बेसिकली देखो क्या करना पड़ेगा, ये हमें दिखाना क्या है बेटा, देखो ध्यान से, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अपोजिट साइड कौन है इसमें, ए बी का अपोजिट है डी सी, तो अब ए बी और डी सी के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट आएगी जो कि यहां पर दिख रहा है पी आर है, ऐसे ही ए डी साइड और सी बी साइड जो है ये अपोजिट साइड्स हैं और इनके मिड पॉइंट्स एस और क्यू है, तो एस क्यू लाइन सेगमेंट मिलेगी। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स, मतलब एस क्यू एंड आर पी, एस क्यू एंड आर पी है ये, है ना, लाइन सेगमेंट्स, वो लाइन सेगमेंट्स कौन से हैं, ये लाइन सेगमेंट्स एस क्यू एंड आर पी, एस क्यू एंड आर पी ये लाइन सेगमेंट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ओ पॉइंट जो है वो एस क्यू का भी मिड पॉइंट है और आर पी का भी मिड पॉइंट है, और एस क्यू और आर पी भी इक्वल होंगे बेटा, एस क्यू और आर पी भी इक्वल होंगे सर, क्यों पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं,
नो सर नॉट नेसेसरीली यस सर प्रूव करना पड़ेगा नहीं नहीं होगा जरूरी नहीं है वो ठीक है रेक्टेंगल होगा तब होगा वैसे नहीं होगा डायगोनल्स है ना डायगोनल्स इक्वल थोड़ी होते हैं पैरेललोग्राम में यस सर यस सर अगर पीक्यूआरएस को रेक्टेंगल बता दे तो प्रूव करना पड़ेगा यस वेरी गुड तो देखो बेटा ध्यान से देखो सभी बच्चे इसको इसमें हमने क्या किया एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है कि ड्रॉ डायगोनल्स डायगोनल्स एसी एंड बीडी एसी और बीडी डायगोनल्स बना दो तो बीडी डायगोनल ही बनाया बीडी डायगोनल के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ ये देखो कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ओ पॉइंट से क्यों नहीं पास हो रहा है मत होने दो ओ पॉइंट से पास होना जरूरी थोड़ी है ओ पॉइंट से उसका कोई लेना देना है ही नहीं डायगोनल्स का ठीक है जी तो ये हमने कर दिया बेटा अब सुनो ध्यान से अब हम देखते हैं इसमें प्रूफ देखते हैं इसका एक मिनट ध्यान से देखो बेटा डीएसी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल डीएसी में देखें अगर हम तो एसी जो है वो फिर से लिख रहा हूँ गलत एसी में एसआर हाँ एसआर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एसी एंड पैरेलल एसी हो जाएगा एंड एसआर पैरेलल होगा एसी के और साथ ही साथ पीक्यू जो है ये भी हाफ हो जाएगा किस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल एसीबी में एसीबी ट्राइंगल में अब देखो फोकस चेंज कर लो अब आ जाओ एसीबी ट्राइंगल में एसीबी ट्राइंगल में देखो बेटा क्यू मिड पॉइंट है पी मिड पॉइंट है तो पीक्यू जो है वो हाफ हो जाएगा एसी का एसी और पीक्यू पैरेलल भी होगा एसी का यही तो हमें मिड पॉइंट थ्योरम कहता है मिड पॉइंट थ्योरम ने एक बात हमें बता दी अब उसको हम यूज कर सकते हैं इसके ठीक है बाय मिड पॉइंट थ्योरम तो यहां से आप देखो फिर से ये दोनों के दोनों हाफ ऑफ एसी के बराबर है इसका मतलब एसआर पीक्यू के इक्वल हो गया यस सर यहां से हम कह सकते हैं और पी क्यू आर एस जो है ये इज अ पैरेललोग्राम ठीक है लिखेंगे यस लास्ट में हम लिख देंगे कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ये थ्योरम था डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर ठीक है यस तो डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और ये डायगोनल्स ही तो हैं पीआर क्या है एंड देयरफॉर डायगोनल्स ही तो है पीआर एंड एसक्यू विल बाइसेक्ट ईच अदर बिकॉज ये डायगोनल्स ही तो है पैरेललोग्राम के समझ में आया बेटा ये जो RP है ये RP क्या है आप ध्यान से देखो PR का PQRS का डायगोनल है PR क्या है PQRS का डायगोनल है और SQ क्या है SQ वो भी PQRS का डायगोनल है तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे मतलब RO OP के इक्वल हो जाएगा SO OQ के इक्वल हो जाएगा सर पर हमने पॉइंट करा कि RO OP के इक्वल है अभी तो किया ना ये तो किया ना देखो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया ना तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल्स उसके बाइसेक्ट करते हैं ठीक है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स उसके बाइसेक्ट करते हैं ये थ्योरम था तो उस थ्योरम को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना यूज तो कर ही सकते हैं ना यस सर और ये पी आर और एस क्यू जो है डायगोनल्स ही तो है किसके डायगोनल्स PQRS के डायगोनल्स भाई पहले हमें ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया है उसमें ये PQRS मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं फिर हमने ये किया मिड पॉइंट थ्योरम से कि ये PQRS एक पैरेललोग्राम है PQ को हमने दिखा दिया हाफ ऑफ AC है और पैरेलल AC है हमने ये दिखा दिया SR को हाफ ऑफ AC है और पैरेलल AC है तो SR जो है वो PQ के पैरेलल हो गया और इक्वल हो गया तो वो पैरेललोग्राम हो गया थ्योरम 8.8 से ठीक है इसके बाद पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है ये आई थिंक ये थ्योरम 8.6 था क्या कौन सा थ्योरम था बेटा ये किसी को याद है हाँ जी किसी को याद है मुझे तो याद नहीं है कौन सा नंबर थ्योरम था ये तो मैं एक बार देख लेता हूँ 8.6 ये देखो ये था ये थ्योरम था है ना देखो ये रहा
ये था थ्योरम कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और थ्योरम एक ऐसी चीज होती है जिसको आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में. तो हमने यही चीज यहाँ पर किया है, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो यही थ्योरम 8.6 को हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है. ओके, तो देयरफॉर पीआर एंड एसक्यू विल बाइसेक्ट ईच अदर बिकॉज पीआर और एसक्यू ही तो डायगोनल्स हैं किसके, पीक्यूआरएस पैरेललोग्राम के. यस सर. तो हो गया हैंस प्रूफ्ड, यही करना था इसमें. यस सर. किसी को yes, sir. किसी को डाउट है कुछ? नो सर. वेल मैं समझता हूँ. देखो तुम लोग में से कई बच्चों ने कहा, पांच बच्चों ने कहा कि नहीं डाउट है. ठीक है, दस बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जिनको वाकई डाउट नहीं होगा और उन्होंने बोला नहीं है. ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नो सर यस सर कुछ नहीं बोला, वो मैं मानता हूँ. लेकिन इसमें कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, एटलीस्ट 10 बच्चे या 15 बच्चे तो ऐसे होंगे जिसको ये 100% समझ में नहीं आया होगा. ठीक है, मैं श्योर हूँ, तुम एग्री करो ना करो, लेकिन 10-15 बच्चे इसमें ऐसे हैं, 40-45 बच्चे हैं उसमें से, कम से कम 10 या 15 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी ये 100% समझ में नहीं आया होगा. ठीक है, तो तरीका क्या होता है ना कि ऐसे कुछ भी नहीं 100% समझ में आएगा. ये जो पढ़ना लिखने वाला काम होता है ना बेटा, ये बड़ा खतरनाक काम है. मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है जैसे तुम ना किराने वाले दुकान के पास जाओगे, कहोगे कि अंकल दूध दे दो आधा लीटर, तो तुम उसके बदले पैसे दोगे और तुम्हें वो दूध दे देगा, या चीनी दे दो तो चीनी दे देगा, वो पैसे दोगे चीनी दे देगा उतने बदले. लेकिन ये लर्निंग का जो काम होता है ना, ये बड़ा खतरनाक काम होता है, ये मेहनत वाला काम है. मतलब इसमें जब तक तुम एफर्ट नहीं लगाओगे तो तब तक इसमें ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना है कि ये लिटरल का इंजेक्शन 100 रुपए का है, चलो डाला हो गया, क्वाड्रिलेटरल दिमाग में सेट हो गया. नहीं, ऐसा नहीं होता है कुछ. तुम्हें इसके लिए पेन लेना होगा, तुम्हें इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. ठीक है, तब जाके तुम्हें इसमें समझ में आएगा. तो मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को अभी भी ये समझ में नहीं आया होगा, भले ही वो बच्चे माने ना माने. पांच बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सर आ गया, लेकिन पांच बच्चे नहीं है ना, 43 स्टूडेंट्स हैं इसमें, और उसमें से 10-15 बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको आ गया होगा समझ में, वो यस नो कुछ नहीं बोलते हैं, मैं वो भी जानता हूँ. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में भी नहीं आता है, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समझते भी हैं और बोलते भी हैं. ठीक है कि आ गया, हाँ सर समझ में आ गया. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समझते नहीं है बट तब भी बोल देते हैं हाँ सर आ गया, ऐसे भी कुछ कैटेगरी होंगे. और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ना तो समझते हैं ना तो बोलते हैं. ठीक है, मतलब चारों कैटेगरी के बच्चे हैं इसमें. आई थिंक समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो वो बच्चे जो है एक बार खुद से ट्राई कर लेना, घर पे फिर से एक बार ट्राई करना, और रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो, है ना. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको समझ में आना चाहिए और आप स्ट्रांग होने चाहिए सब्जेक्ट में, टॉपिक्स में आपको स्ट्रांग होना है ना, कमजोर बन के नहीं रहना है. तो ये मेन मेन बात ये है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. तो भले ही अभी आप मुझसे नहीं पूछ रहे हो, नहीं बोल रहे हो, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ आप घर पे जा करके एक बार ट्राई जरूर करना इन क्वेश्चन को, जिनको ये समझ में नहीं आया है. हाँ, जिनको आ गया है उनके लिए कोई इशू नहीं है. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन अगर कुछ बच्चे करेंगे और सीरियसली उन्होंने पास्ट में भी सीरियसली अटेम्प्ट किया हुआ है, क्वेश्चंस करते हैं, मतलब सीरियस तरीके से जो मैं क्वेश्चंस देता हूं उनको ट्राई करते हैं, तो उन्हें कुछ याद आएगा इस क्वेश्चन को देख करके. और वो क्या है वो मुझे बताना जिसको याद आ जाए. वैसे पहले कोशिश ये करना है आपको, सारा फोकस लगाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, उसके बाद अगर याद आ जाए कुछ इससे रिलेटेड तो आप मुझे बताना, नहीं तो नहीं बता. यस सर. हाँ, पहले सारा फोकस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे लगाना है. सर ये ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एफ इसका मतलब क्या है? अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम, मतलब एक लाइन ड्रॉ की जा रही है एम मिड पॉइंट से. तो आगे समझ में ट्राई करो बेटा, प्रेशर में नहीं आना है. जैसे अभी किसी बच्चे ने बोल दिया, मैंने देखा नहीं कौन था, किसने कर दिया क्वेश्चन सॉल्व, सर नारायण.
नारायण ने कर दिया है तो आप लोग प्रेशर में मत आओ, ठीक है? कई बार ऐसा भी होता है, नारायण ने हो सकता है पहले से ही कर रखा हो इस क्वेश्चन को, है ना? तो नहीं सर, अभी किया है। वेरी गुड। तो पहले से अगर नहीं किया हुआ, अभी किया हुआ है, तो बाकी बच्चों को प्रेशर में नहीं आना कि इसने इतनी जल्दी कर दिया, है ना? आप लोग अपना टाइम लो, आराम से, 2 मिनट का टाइम है, आराम से ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है? लर्निंग इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में करना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही डिप्रेस होने की जरूरत है कि मेरे से जल्दी क्यों नहीं हो पाया। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, उसमें कन्वर्स और एमपीटी लग रहे हैं। लगा सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या लगेगा, लेकिन लगा सकते हैं। को इंटीरियर। अच्छा, ओके सब इस 2 मिनट से लास्ट पार्ट रह गया। वैसे जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, उनके लिए मैं एक बार फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल सी पे 90 डिग्री दिया हुआ है। सर ऐसा ही क्वेश्चन हमने मतलब पिछले चैप्टर में भी किया था सर। यस सर, और ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया था। ओके, सी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। माइक बंद करो, किसी के माइक बहुत इरिटेटिंग वॉइस आ रही है। हाँ, अब देखो क्या कह रहा है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेनस ए बी। ये एम मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। इंटरसेक्ट ए सी एट डी पॉइंट। चलो ठीक है जी, ये इंटरसेक्ट डी पॉइंट पे कर रहा है, तो कह रहा है कि हाँ डी मिड पॉइंट होगा ए सी का, तो हम कह सकते हैं इसमें सबसे पहले कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यस, एम इज मिड पॉइंट ऑफ एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। M is midpoint of AB. DM's parallel. MD parallel है CB के या BC के, ठीक है? MD parallel है BC के या CB लिख दो, अच्छा रहेगा। CB के parallel है। सर मुझे एक बार सही तो क्वेश्चन को देख के, सर हमने ना इससे सर्कल वाला एक क्वेश्चन पूछा था, DM होता है ना वो रेडियस होता है और वो हमेशा AB का आधा होता है। हाँ बिल्कुल, MD पैरेलल है BC के। MD क्या है बेटा? पैरेलल है BC के, बिल्कुल पैरेलल होगा, दिया हुआ है, ये गिवन है। तो अब इसमें इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है? यस सर। सर मिड पॉइंट, सर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से पहला पार्ट प्रूव हो जाएगा। सर सेकंड डी इज मिड पॉइंट ऑफ कोइंटीरियर एंगल, सेकंड वाला कोइंटीरियर एंगल हो जाएगा। हां करेस्पोंडिंग, और सर तीसरा वाला एसएएस कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि फिर क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है? एंगल ए डी एम जो हो जाएगा वो
90 डिग्री हो जाएगा, आप को इंटीरियर कह लो या करस्पॉन्डिंग कह लो एक ही बात है, क्योंकि ये 90 है तो ये भी तो 90 ही होगा ना, करस्पॉन्डिंग भी होगा सर, को इंटीरियर भी होगा, बिल्कुल आपका मन है, आपका मन है, करस्पॉन्डिंग लिखना चाहते हो तो करस्पॉन्डिंग लिख दो ठीक है, और नहीं आपका मन है तो को इंटीरियर भी लिख सकते हो, दोनों दोनों से वो 90 ही आएगा है ना। तो ये एडीएम आ गया, सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं, इसको ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, अब मिड पॉइंट होगा, डी मिड पॉइंट हो जाएगा इसमें, डी मिड पॉइंट है देखा जाए तो आप यहां से आप कह सकते हो कि डीएम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ, डीएम इज इक्वल टू ये हाफ ऑफ बी सी आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी करना है हमें, ओके हमें सी एम को, आई एम सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था, सी एम को हमें दिखाना है इसमें। तो अब यहाँ से एम से सी को ज्वाइन कर देंगे बेटा, तो अब इसके बाद मैं तीसरे प्रूफ के लिए कह रहा हूँ कि अब एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि सी एम ड्रॉ कर दें, हाँ ज्वाइन एम एंड सी के इक्वल है और डी एम कॉमन है, 90 डिग्री है तो उससे ठीक है, डी एम इज कॉमन, एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल एम सी डी एम 90 डिग्री ठीक है, देयर फॉर ट्राइंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुवेंट टू ट्राइंगल सी डी एम, इससे ए एम और सी एम इक्वल हो गए, और यहां से हम कह सकते हैं ए एम इज इक्वल टू एम सी ठीक है, ए एम इज इक्वल टू सी एम आ जाएगा, यस माइक बंद कर लेना बेटा ठीक है, ये आ गया ए एम इज इक्वल टू एम सी आ गया, बट वी हैव बट ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये तो गिवन है, एम मिड पॉइंट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, एम मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है बेटा देखो, तो ए एम तो एम बी के इक्वल ही होगा, तो ए एम एम सी के भी इक्वल है, ए एम एम बी के भी इक्वल है, देयर फॉर सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, आई होप ये समझ में आया होगा, सी एम जो है वो जब ए एम के इक्वल आ गया है, सी एम ए एम के इक्वल आ गया है, तो ए एम तो पहले से ही हाफ दे रखा है ए बी का, तो हो गया ना तीनों बराबर हो जाएंगे, तो थर्ड पार्ट भी इस तरीके से प्रूव होगा, सर्कल वाली प्रॉपर्टी निकाल लगाते तो अब तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, हाँ सर्कल करेंगे तो सर्कल के बाद सीधा सीधा आ जाएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जब भी हमारे पास होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जब भी हमारे पास होता है, सपोज ये 90 डिग्री एंगल है, तो आप ऑलवेज एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जिसका डायामीटर हाइपोटेनियस होता है ठीक है, आप ऑलवेज एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जिसका डायामीटर हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा, तो ये रेडियस हो जाएंगे, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, तो सब बराबर हो जाएंगे ठीक है, ये जब सर्कल करोगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा, फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि एक दो बच्चों को समझ में, कुछ बच्चों को, पांच सात बच्चों को समझ में आ गया होगा पूरी बात समझ में, सभी बच्चों को नहीं आई होगी ठीक है, तो जब हम सर्कल करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा है ना, लर्ना चाहिए, अपने आप को चैलेंज करना चाहिए, हमेशा अपने आप को चैलेंज करो कि मुझे सीखना है समझना है, और वो किसी की हेल्प से, हेल्प जो है ना, हेल्प बहुत हेल्प, कोई आपको ऐसा तो है नहीं, देखो ये एक रियलिटी है, ये एक फैक्ट है, वैसे तो तुम लोग अभी बहुत ही बच्चे हो छोटे हो, लेकिन एक रियलिटी है कि किसी को ना कोई हाथ पकड़ के जहाँ पे डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाता है ठीक है, थोड़ी बहुत कहीं से मदद मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो जितने भी अचीवर्स हैं ठीक है दुनिया में, आप नोटिस करना कि कोई भी अचीवर है ना, कोई भी चाहे छोटी से छोटी अचीवमेंट हो, अचीवमेंट मतलब अचीवमेंट छोटी होती, स्कूल का प्राइज जीतना वो भी एक अचीवमेंट है, और अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाना वो भी एक अचीवमेंट है, तो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अचीवमेंट के लिए हर एक इंसान को खुद से ही एफर्ट लगाना पड़ता है, तो खुद से एफर्ट लगाओ, खुद से चैलेंज करो अपने आप को कि ये मुझे सारा कुछ सीखना है। ये था सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, और अनफॉर्चुनेटली ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। यस सर। सर अब आप मॉड्यूल से क्वेश्चंस दे दीजिए। पहले एग्जांपलर करेंगे फिर। ओके सर। ये देखो कुछ चीजें लिखी हुई हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं हम इसमें। समरी के फॉर्म में एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये सारी बातें, तो एक बार इसको हम रिवाइज क्यों ना कर लें, सही रहेगा।
तो इन दिस चैप्टर क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो समझते हैं, और सारी बातें आपको इसमें 90% चीजें 100% चीजें सब कुछ, ज्यादातर बच्चों को 100% चीजें पता होंगी, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टिल मुझे लगता है कि इसमें भी एकाध फैक्ट में कहीं पर कहीं वीक होंगे, तो चलो खैर वो इशू नहीं है, बार बार पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि भाई किसको 100% समझ में नहीं आया है, ठीक है, बच्चे माइंड कर जाएंगे कुछ बच्चे, हालांकि मैं जानता नहीं हूँ कौन है ये बच्चा, लेकिन वो बच्चा समझ रहे होंगे कि मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ये सबको पता होगा, कोई इशू ही नहीं है, ये फैक्ट है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, पैरेललोग्राम में कोई भी एक डायगोनल आप ड्रॉ कर दो तो दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे और वो दोनों के दोनों आपस में कंग्रुएंट होंगे, ये इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, तो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएंगे। यस एक्सक्यूज मी सर, सर ट्रेपेजियम में ये प्रॉपर्टी नहीं होती सर? क्या पूछ रहे हो? पूछ रहा हूं कि ट्रेपेजियम में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ट्रेपेजियम में कैसे होगी, ट्रेपेजियम में तो साइड्स अपोजिट इक्वल थोड़ी होते हैं, तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पैरेलल होते हैं। इन अ पैरेललोग्राम देखो, पैरेललोग्राम में क्या क्या बातें होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स भी अगर इक्वल हैं तो भी पैरेललोग्राम होगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो भी पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम की कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब पैरेललोग्राम को आप इतने तरीके से डिफाइन कर सकते हो, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं पैरेललोग्राम होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, अपोजिट साइड्स, हाँ, या किसी क्वाड्रिलेटरल को भी हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। देखो ये बेसिकली बेटा समझने वाली बात है, ये फोर्थ नंबर है ना, ये फोर्थ नंबर है कि पैरेललोग्राम को क्वालिफाई कराने के लिए कि किसी क्वाड्रिलेटरल को देख करके हम बता सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं है, तो उसके लिए चारों में से कोई एक कंडीशन है तो समझ, देखो कैसे क्लियरली लिखा हुआ है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक कंडीशन ये भी हो सकती है सर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल वो डेफिनेशन है, ठीक है, हाँ, वो तो सुप्रीम है, मतलब सबसे ऊपर वही है, टॉप पे सबसे टॉप पे वही है, क्योंकि वो तो डेफिनेशन ही है पैरेललोग्राम का कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, तो वो तो होगा ही, बिल्कुल सही तुमने कहा, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। देखो इसमें अपोजिट साइड्स आर अगर इक्वल है, और लिखा हुआ है वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, और लिखा हुआ है, मतलब अगर ये नहीं तो अगर ये लिखा हुआ है तो भी पैरेललोग्राम होगा, अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है तो भी, अगर ये दोनों नहीं हुए तो अगर ये हुआ तो भी पैरेललोग्राम होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं अगर एक दूसरे को तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर तो भी पैरेललोग्राम होगा, मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम होगा, नहीं तो ये, और देखो और वर्ड यूज किया, मतलब इन चारों में से कोई भी एक, ठीक है, और वर्ड यूज कब करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ये देख रहे हैं, एक बार मैं देखा था एक बार कि ये बिस्किट होता है ना, बिस्किट का ऐड करते थे कि चार बिस्किट या एक ग्लास दूध, ठीक है, ऐसे करके ऐड करते थे, मतलब ये दोनों को इक्विवेलेंट दिखा रहे थे, ठीक है, कि चार बिस्किट खा लो या नहीं तो एक ग्लास दूध पी लो, दोनों की जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है, ऐसा कोई बिस्किट था कोई ऐड करता, तो वही चीज है, या तो ये तरीका ये डेफिनेशन वैलिड कर लो, ये बातें हो रही है किसी क्वाड्रिलेटरल में तो पैरेललोग्राम होगा, नहीं तो ये अगर बातें सही है तब भी पैरेललोग्राम होगा, नहीं तो ये अगर सही है तब भी पैरेललोग्राम होगा, नहीं तो ये भी पैरेललोग्राम होगा, मतलब ये बातें सही है तो पैरेललोग्राम होगा। सो बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है बेटा कि इन चारों में से कोई भी कंडीशन आप ले लो तो पैरेललोग्राम माना जाएगा, और एक डेफिनेशन तो था अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। ओके, इसके बाद क्या फैक्ट है, देखो ये सारी बातें ना, क्योंकि कई बार पैरेललोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए ये समरी अगर हम पढ़ लें अच्छे तरीके से तो मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग डेफिनेटली होगा, मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी गंदी बात ये थी कि इसमें काइट के बारे में तो क्वेश्चन दिया ही नहीं, काइट का डेफिनेशन तो बता दिया लेकिन काइट के ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया एक भी। Yes, sir. Yes, sir. सर, काइट में तो वैसे हमें पता है कि 90 डिग्री पे उसको डायगोनल बाइसेक्ट करते तो वो तो हो ही जाएगा शायद आसानी से, तो यही बात तो पैरेललोग्राम पे भी अप्लाई होता है फिर, यही रेक्टेंगल पे सर, उसका डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते, बस उसका एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है।
हाँ तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं होगा, मॉड्यूल में होगा या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब हुआ, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो समझ में आ गया, एंड आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी होते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में ये जो एसी की लेंथ है वो एसी की लेंथ जो है वो बीडी के बराबर होती है रेक्टेंगल में, ठीक है, रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में नहीं लिखा है, पैरेललोग्राम में जनरली अब बाइसेक्ट भी करते हैं दूसरे को, मतलब एओ ओसी के इक्वल होगा, डीओ ओबी के इक्वल होगा, एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब क्या हुआ, वाइसे वर्सा मतलब इसको उधर मतलब सर मतलब किसी की क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल होगा, तो अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है उसकी डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा। मतलब डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है, यही बात कन्वर्स कह सकते हैं ना। हाँ कन्वर्स कह सकते हैं बिल्कुल। वैसे वर्षा का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं तो वो एक रेक्टेंगल होगा। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड वैसे वर्षा। इसका मतलब यही हुआ कि रोम्बस में डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, मतलब OA OB OC OD सब बराबर होंगे, आई एम सॉरी OA जो है वो OC के इक्वल होगा और OD जो है वो OB के इक्वल होगा, मैंने गलत बोल दिया अभी, OA OC के इक्वल होगा और OD OB के इक्वल होगा, ये कहना चाह रहा है। और ऐसा अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में हो रहा है तो वो एक रोम्बस होगा। Diagonals of a square bisect each other at right angle and equal and vice versa, ठीक है? Diagonals क्या होता है? Square के diagonals की बात करें अगर तो square के diagonals बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को bisect भी करते हैं, ठीक है? The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. ये होता है MPT, midpoint. Yes, the midpoint theorem. Yes, line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it. मतलब कोई भी ट्राइंगल लो, इसका कोई भी दो साइड लो जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है ये दोनों साइड, ए बी और बी सी साइड अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है, तो इन दोनों का मैंने मिड पॉइंट ले लिया, तो अब ये जो लाइन सेगमेंट होगी डी ई ये ए सी के पैरेलल होगी और हाफ भी होगी, ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते थे, ठीक है, ये भी जैसे ए बी का मतलब ए बी और बी सी का मिड पॉइंट लेते हैं और फिर इसके बाद जो है देख सकते हो आप, सॉरी यहाँ पर भी वैसा ही ले लिया, तो इस तरीके से भी ले सकते थे। ओके, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये क्या होता है, कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स मिड, कन्वर्स ऑफ एमपीटी, वेरी गुड। उसके बाद है द क्वाड्रिलेटरल फॉर्मड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जो एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना दो पहले, एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना दो पहले सर, जो हमने एक क्वेश्चन किया था वैसे ही पूरा, यस सर, सिक्स्थ क्वेश्चन था, ये इसमें कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दो और क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद जो है उसके मिड पॉइंट्स ले लो, तो मिड पॉइंट्स कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दो, कोई भी जरूरी नहीं है ऐसा ही, मतलब रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी आपको अच्छा लगे तो बना दो और फिर उसके मिड पॉइंट्स लो और उसको ज्वाइन कर दोगे, तो ये क्या बनता है बेटा, क्या बनता है, ये क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एक्सक्यूज मी सर, सर समरी में जो लास्ट कुछ पॉइंट्स जो है हम लोग थ्योरम की तरह यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास आ गया कुछ प्रूफ करने के लिए तो, हाँ कर सकते हैं। ओके सर,
ओके सो अब हम लोग एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। सर डन सर सी ऑप्शन सी ओके ठीक है। बीओसी 90 है और 40 डिग्री और तो देखने से लग नहीं रहा है, ये 90 है बेटा, ये है ना बीओसी 90 है और बीडीसी जो दिया हुआ है ये 50 है, ये एंगल 50 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बीओ भी 50 हो जाएगा। हां ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और सर सी ए भी हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ओडीसी में और फिर उसके बाद ये 40 है तो ये भी 40 होगा अल्टरनेट एंगल्स। ओके सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है ना? हाँ ये रोम्बस ही है ठीक है, पैरेलोग्राम में अगर 90 डिग्री पे एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ना, मतलब डायगोनल्स 90 डिग्री पे है तो ये रोम्बस ही है। ये मैंने फिगर तो पहले पढ़ा नहीं ना पूरा मैंने, तो इसलिए मैंने पैरेलोग्राम जैसा बना रखा है, ऐसा फिगर पॉसिबल थोड़ी है, फिगर तो रोम्बस जैसा ही बनेगा जब 90 डिग्री एंगल होगा ना, तो वो 90 डिग्री है तो वो रोम्बस जैसा ही बनेगा। देखो देखने से लग भी नहीं रहा है 90 डिग्री है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने पैरेलोग्राम जैसा बना दिया ना, ये रोम्बस होगा ठीक है। 90 डिग्री जैसे ही बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे जैसे ही एंगल आ जाएगा पैरेलोग्राम का तो वो रोम्बस बन जाएगा। ओके बच्चों तो कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, तो क्लास को अभी हम लोग ऑफ करते हैं। सर एक डाउट पूछना था सर, स्क्वायर के डायगोनल्स भी सर जो 90 डिग्री वहां पे इंटरसेक्ट होते हैं बाईसेक्ट होते हैं? बिल्कुल 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 ओके सर थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं ऑफ कर रहा हूं। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर गुड नाइट सर गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सर गुड इवनिंग सर No sir, no doubt. Thank you sir. Okay, bacho, bye. Thank you sir, bye. Bye everyone. Bye everyone.